हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू। आप देख रहे हैं एम मशीन बिल्ड यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं XPG के प्राइम ARGB केबल के बारे में। अब यहां पर जो XPG ने प्राइम ARGB केबल निकाले हैं, इसमें आपको दो ही केबल देखने मिलते हैं। सबसे पहला 24ATX कनेक्टर आपको जो देखने मिलेगा, ये वाली केबल आपको देखने मिलेगी। और दूसरा जो इसमें केबल आपको देखने मिलता है, वो आपके GPU को पावर प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर आपको 6+2 का कॉम्बिनेशन वाला कनेक्टर देखने मिलता है। तो यहाँ पर ये जो 6+2 कॉम्बिनेशन वाला आपको पोर्ट देखने मिलता है, ये एक्चुअली में 8 पोर्ट आप बनाकर इसे 3060 जैसे ग्राफिक कार्ड में यूज़ कर सकते हो। तो देखो, इस केबल में आपको कौन कौन सी फंक्शनैलिटी मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसा कि ये एक एक्सटेंडेड केबल है, तो इसमें आपको केबल क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रांड ने 16AWG का केबल यूज़ किया है इसमें। अब 16AWG है, यहाँ पर क्या होता है कि जो केबल की इंसुलेटर होती है, उसके अंदर जो कॉपर का यूज़ किया होता है, वो कॉपर की थिकनेस काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। मतलब लॉन्ग रन में आपको केबल की हीटिंग वगैरह इशू के प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेंगे और आप इन केबल्स को अच्छे खासे ग्राफिक कार्ड के भी साथ यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर इन केबल्स को यूज़ करने के बाद काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट ज़रूर होता है कि ये केबल आपके किसी भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका जवाब है यस, आप इसे किसी भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो और किसी भी केस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। किसी भी कंप्यूटर केस के अंदर आपको लगाने पर इसमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये जो केबल है, इसके अंदर आपको ARGB का सपोर्ट मिलता है, मतलब एड्रेसेबल ARGB लाइट होती है। तो इन एड्रेसेबल ARGB लाइट को आप मदरबोर्ड के जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके साथ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका एक कोई कैबिनेट है, उसके अंदर आपने कौन से भी फ़ैन लगा के रखे जो कि ARGB सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने ARGB फ़ैन के साथ इस कैबिनेट की केबल्स को सिंक करवा सकते हो। और इस केबल के ऊपर जो ऑप्टिकल फाइबर की लेयर यूज़ की गई है, मतलब इसके ऊपर पूरा एक ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया गया है, जो कि एक एंड से आपको LED ग्लो होती है, तो दूसरे एंड तक इजीली डिफ्यूजन होता है इस लाइट का। मतलब डिफ्यूज़न में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको एक साइड ज़्यादा डिम है और एक साइड ज़्यादा लो है। तो इसकी जो ब्राइटनेस है, वो लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है। वैसे आपको डे लाइट में भी थोड़ी बहुत अच्छी ब्राइटनेस देखने मिल जाती है, उतना भी ज़्यादा लो नहीं है। अगर आप इन केबल को परचेस करने जाते हो, तो जो आपको 24 पिन वाली ATX कनेक्टर मिलती है, ये सिर्फ एक बॉक्स में एक ही आएगी। इसके साथ आपको 8 पिन की जो पावर कनेक्टर होती है, वो नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखें खरीदने से पहले। और कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि Amazon पर जैसे कि ये वाली केबल है, आपको इसमें दो केबल दिख रही है, तो ये दो का किट आता है। मतलब इसमें आपको दो केबल देखने मिलेगी, जो कि 8-8 पिन की दो केबल होती है। मान लो अगर आपके ग्राफिक कार्ड में 2 8-पिन का पावर कनेक्टर लगता है, तो आप इस केबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3090 जैसा कोई कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी इस केबल को यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी करवा देता है ये। बाकी देखो, यहाँ पर एस्थेटिक के लिए ही मेन इसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए। अगर आपने PC बिल्ड करके रखा है, अगर आप कोई PC में इसे लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना आपका बिल्ड जो है आपने बनाया है वो कितने का बिल्ड है। अगर आपको इन केबल्स को परचेस करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिए। Amazon की लिंक है, आप Amazon से बाय कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। अगर ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आपको देखो बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर PC रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एम मशीन बिल्ड।